नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल योर टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं NSDL पाम एप्लीकेशन के बारे में, और इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे और साथ में लाइव प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि आप लोग किस प्रकार से किसी भी कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगवा करके उसका पैन कार्ड कैसे बना पाएंगे। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि इसके माध्यम से जितने भी EKYC के माध्यम से पैन कार्ड बनाए जाएंगे उनका कोई भी डॉक्यूमेंट साइन इन नहीं करवाना होगा और ना ही आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कुरियर के माध्यम से भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन हाल ही में NSDL के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास में NSDL की अथोराइज एजेंसी है, यानी कि जो लोग NSDL पाम पोर्टल पर पहले से वर्क कर रहे हैं वही लोग इस एप्लीकेशन का उपयोग कर पाएंगे, वही लोग इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में पूरा जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से एक पैन कार्ड EKYC के थ्रू बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहां पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर हम यहां पर कॉर्नर की बात करें तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ जो साइड का इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी कस्टमर का EKYC के द्वारा पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट के द्वारा पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो सिंपली EKYC पैन न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करते हैं तो जो आपका यहाँ पर कुछ इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से आता है, जो कि यहाँ पर एक आप लोगों को फॉर्म मिलता है जिसमें एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर पैन न्यू रहने देना है, कैटेगरी में इंडिविजुअल ही रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डालना रहता है, उसके बाद में टाइटल में यहाँ पर मिस है, मिसेज है, कुमारी है, जो भी है आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में उनका लास्ट नेम डालना है कस्टमर का, उसके बाद में फर्स्ट नेम डालना है, और यहाँ पर अगर मिडिल नेम है कोई तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर कंसेंट का जो यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर इसको ओके करते हैं तो उसके बाद में आपको सबमिट करना होता है। तो चलिए हम फटाफट इस फॉर्म को भर लेते हैं और उसके बाद में आप लोगों को आगे का प्रोसीजर समझाते हैं। तो इस फॉर्म को आप लोग बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को यहाँ पर कुछ सिंपल जानकारी पूछी गई है जो आप लोग यहाँ पर बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरी जो डिटेल है उसको भर लिया है और अब हम सिंपली यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। पर तो जैसे ही यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एक यहाँ पर अलर्ट आया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है आधार अथोनिकेशन सक्सेसफुल, यानी कि जो आधार का डेटा है और जो यहाँ पर फिल किया गया है डेटा वो आपस में मैच हो चुका है। तो अभी सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग ओके पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से जो डैशबोर्ड है आगे का वो आता है, जहाँ पर आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको वेरीफाई करनी होती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर पूरी डिटेल जो है वेरीफाई कर लेनी है और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग एक ऑप्शन देखेंगे लिखा हुआ है हैव यू एवन बीन नाउ बाई अदर नेम, अगर आपका कोई दूसरा नाम है अगर आप डालना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें, अदरवाइज आप लोगों को इसे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पेरेंट डिटेल डालनी होती है, तो पेरेंट डिटेल में आप फादर नेम या मदर नेम डाल सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर डाल लेते हैं। अब उसके बाद में एक बार फिर से आपको वही नाम यहाँ पर डालना होता है। अब उसको यहाँ पर डालने के बाद में जब आप लोग नाम डालकर उसके बाद में वेरीफाई कर लेते हैं तो सिंपली आपको नीचे की तरफ बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करना है और अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। तो यहाँ पर फादर नेम अगर आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर डाला हुआ है तो फादर नेम पर क्लिक करना है, अगर आप लोगों ने मदर नेम डाला हुआ है तो मदर नेम पर क्लिक करना है। ज़्यादातर लोग दोस्तों और हम भी पैन कार्ड बनाते हैं तो यहाँ पर फादर नेम ही डालते हैं, तो आपको फादर नेम ही यहाँ पर डालना है और उसके बाद में यहाँ पर पूरी डिटेल डालने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
तो जैसे ही दोस्तों आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट डैशबोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, जहां पर पूछा जा रहा है कि वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप लोग पूछ रहा है कि फिजिकल पैन कार्ड क्या आप चाहते हैं तो आपको यस पर रहने देना है। अगर आप नो पर करेंगे तो आपको सिर्फ ई पैन ही मिलेगा, आपका जो फिजिकल पैन कार्ड आता है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ पर यस ही रहने देना है। उसके बाद में यहाँ पर इनकम पूछ रहा है, तो इनकम सोर्स आपका जो भी इनकम सोर्स है कस्टमर से पूछ लेना है, उसी हिसाब से आपको डाल देना है। मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करता हूँ, नो इनकम पे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंट्री कोड जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम चलिए इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद में एरिया एसटीडी कोड यहाँ पर 91 आपको डाल देना है, और उसके बाद में यहाँ पर टेलीफोन या मोबाइल नंबर आपको डालना रहता है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर डाल देते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी कस्टमर का डालना होता है, तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लेते हैं। प्लेस में आप जहां भी पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वहां का नाम डाल देना है, और डेट ऑटो सेलेक्टेड रहेगी। यहां पर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में रेजिडेंस ही रहने देना है। अगर आपका ऑफिस है तो आप ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे केस में रेजिडेंस है तो हम यहां पर इसे ऐसे ही रहने देना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। जैसे ही दोस्तों आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो एओ डिटेल आपको यहां पर भरनी होती है, तो आप एओ डिटेल सर्च भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। यहां पर चलिए हम यहां पर डाल लेते हैं। और उसके बाद में हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ओके पर क्लिक करते हैं तो जो पूरा फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है। अब ई के वाई सी पैन न्यू यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है, यानी कि अब आपको यहाँ पर ई के वाई सी करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। तो आपको सिंपली पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देख लेनी है एक बार, और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो चलिए हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म कन्फर्मेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है, अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है ओटीपी बेस्ड ई के वाई सी और दूसरा है बायोमेट्रिक बेस्ड ई के वाई सी। तो ओटीपी के माध्यम से उन लोगों का आप लोग कर सकते हैं जिनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर है, और जिनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर है तो उनका आप बायोमेट्रिक बेस्ड ई के वाई सी कर सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे आपको बायोमेट्रिक ई के वाई सी करना है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है बायोमेट्रिक बेस्ड पैन कार्ड बनाने पे, तो हम यहाँ पर बायोमेट्रिक ही सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम फटाफट क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर बायोमेट्रिक बेस्ड ई के वाई सी पर। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो जल चुका है, और कस्टमर को आपको यहाँ पे फिंगर लगाने को बोलना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर फिंगर लगवाते हैं कस्टमर का, तो यहाँ पर ई के वाई सी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आता है, सिंपली आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ई एस पी ऑथेंटिकेशन के लिए बोलता है, यानी कि ई सिंगिन के लिए बोलता है, तो आपको कंटिन्यू ई सिंगिन विद बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिटेल आती है, तो यहाँ पर टर्म और कंडीशंस हैं जिनको आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप लोग ओके करते हैं तो आपको यहाँ पर चेक मार्क पर भी यहाँ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग आधार कार्ड डालने के बाद में यहां पर क्लिक करते हैं चेक मार्क पे, तो यहां पर लिख के आता है बायोमेट्रिक वायर्ड डिवाइस कनेक्टेड, प्लीज़ क्लिक ऑन कैप्चर फिंगरप्रिंट बटन टू कंटिन्यू। तो यहां पर इस पर ओके करना है,
और उसके बाद में यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कैप्चर फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पर सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं जो डिवाइस है वो ब्लिंक कर चुका है और कस्टमर का अंगूठा आपको लगवा लेना है। जैसे ही आप लगवाते हैं तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुल्ली लिख के आता है, तो ओके आपको कर देना है। जैसे ही आप लोग ओके करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट का बटन मिल रहा है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ई साइन इन सक्सेसफुल का ऑप्शन आता है और आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस बनाने को लेकर, और यहाँ पर आपको जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पर मिल जाता है, जिसे आपको कस्टमर को लिख के दे देना है या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर कस्टमर को दे सकते हैं। अब ये पैन कार्ड दोस्तों है ये 30 से 40 मिनट या अधिकतम दोस्तों 1 घंटे के अंदर में आपका जेनरेट हो जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। और हाँ दोस्तों, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता है तो इसलिए इसका वीडियो बनाना पड़ा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।